अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपको कुछ बताऊंगा द लाडना यूनिवर्सिटी के बारे में। द लाडना स्टॉकहोम से तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का डिस्टेंस है, और तकरीबन यार ये 250-40 किलोमीटर्स है। और इस यूनिवर्सिटी का ये बेनिफिट है कि आप स्टॉकहोम इजीली आ सकते हैं, 2 घंटे 3 घंटे कोई डिस्टेंस नहीं है स्वीडन में। तो बाई ट्रेन आ सकते हैं, बाई बस आ सकते हैं, डेली बेसिस पे भी आ सकते हैं, क्योंकि मास्टर की जो क्लासेस हैं 2 से 3 दिन होती हैं क्लासेस। और लाइक दैट जो इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्सेज, ज़्यादातर इनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो इनके सेमिनार्स वगैरह होते हैं। और उसके बाद जो बिजनेस फील्ड के हैं, तो इस तरह के बिजनेस फील्ड के जो कोर्सेज हैं उनकी तो 2 दिन ज़्यादातर क्लासेस होती हैं। तो देन वो स्टॉकहोम आके जॉब वगैरह कर लेते हैं अपनी 5 डेज। और उसके बाद जो इसके और बेनिफिट ये है कि थोड़ी ट्यूशन फीस इसकी कम है, मीन्स के 40,000 क्राउन से स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें ये बेनिफिट हो जाता है दूसरा। और उसके बाद इसके एडमिशन भी कन्फर्म हो जाते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है। कंप्यूटर साइंस के, इंजीनियरिंग के, सोशल साइंसेस के और हेल्थ साइंस के और इस तरह के काफ़ी कोर्सेज हैं, मतलब कि 4-5 डिपार्टमेंट्स कवर कर लेता है। फाइन आर्ट्स वगैरह और टूरिज्म मैनेजमेंट के भी इसमें कोर्सेज हैं। मास्टर प्रोग्राम भी है, बैचलर प्रोग्राम भी है। इसमें बैचलर करेंगे ज़रा फीस थोड़ी मुनासिब रहेगी, क्योंकि मास्टर प्रोग्राम में आपको 30 क्रेडिट आवर्स कम्प्लीट करने हैं, देन आपको वर्क परमिट इश्यू होगा। सेम एज़ बैचलर में भी इसी तरह। और उसके बाद बैचलर का 3 ईयर्स प्रोग्राम होता है, मास्टर 2 ईयर्स प्रोग्राम है। कुछ स्टूडेंट्स यार मुझसे पूछते हैं कि 1 ईयर प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, तो यार मैं 1 ईयर प्रोग्राम को प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि 2 ईयर्स प्रोग्राम अगर सेटलमेंट चाहते हो वहाँ पे, तो 2 ईयर्स प्रोग्राम होगा तो आपको कोई बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। 13 मंथ्स का वीज़ा ग्रांट होगा, 1 ईयर में आप 8 to 9 मंथ्स का वीज़ा ग्रांट होगा। उसमें यार क्या कर लोगे, वर्क परमिट कैसे लोगे, जॉब कैसे करोगे, क्योंकि 3-4 महीने ऐसे होते हैं स्टार्टिंग के, बंदा समझ नहीं आती क्या करे क्या नहीं करे, तो इस तरह का होता है। ठीक है जी, उनके लिए बेहतर है 1 ईयर प्रोग्राम, जिन्होंने स्वीडन पहुँचते ही इधर उधर निकल जाना है, तो उनके लिए बेहतर है। तो बाकी ठीक है यार, पुर्तगाल वगैरह इस तरह के छोटे कंट्रीज जो हैं वो इमिग्रेशन ओपन इटली लाइट है, इटली पुर्तगाल स्पेन की, ठीक है। वो तो अब स्टूडेंट की अपनी मर्जी है, वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो 1 ईयर प्रोग्राम उनके लिए प्रेफर करते हैं। जो दूसरा 2 ईयर प्रोग्राम है, जो जिसने स्टडी कंप्लीट करनी है, नहीं करनी, 30 क्रेडिट आवर्स कंप्लीट करेगा देन स्वीडन में सेटल होना है, तो 30 क्रेडिट आवर्स लाजमी है, अदरवाइज बिजनेस से वीज़ा कन्वर्ट करेंगे, या फिर यही है 2 ऑप्शन इस टाइम, या शादी कर लेंगे। शादी होती नहीं है यार, स्वीडिश बड़ी वो हो गई है तो शादी नहीं होती। ठीक है, तो दलाड़ना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करें, अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में ना रखें, सेकंड में रख लें। तो लेकिन जिसने है कि भाई फीस मैं 40,000 क्राउन या 42 से ज़्यादा दे नहीं सकता, तो उसके लिए दलाड़ना या लुलिया यूनिवर्सिटी ही है, इसके अलावा कोई नहीं है। बाकी की बहुत फीस है, थोड़ा इसका ये बेनिफिट है कि स्टॉकहोम के करीब है, आपको जॉब में अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो जाएंगी, ये सबसे बड़ी बेनिफिट चीज़ है। और जॉब यार पूरे स्वीडन में सिर्फ स्टॉकहोम से अलावा कहीं भी नहीं है इतनी। उसके बाद गोथनबर्ग, अपसाला, मालमो आ जाता है, लेकिन उस तरह रेशियो नहीं है जो स्टॉकहोम में रेशियो है। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी नोट किया करें कि हम जो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रहे हैं उसके नज़दीक हमें अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिलेंगी। मीन्स के दलाना लिन शॉपिंग और इस एक और यूनिवर्सिटी है, तो वो स्टॉकहोम के करीब है, गोथनबर्ग के करीब है। जो यूनिवर्सिटीज़ है ना उनको ज़रा सेलेक्ट अपनी किया करें, ताकि आपको जॉब्स में मसला ना हो, क्योंकि एक्सपेंस दलाड़ना में नहीं निकलेगा आपका, ना कालमार वैक्यू में नहीं निकलेगा, और जो जॉन शॉपिंग इन शॉपिंग में नहीं निकलते। जो आपके आसपास बड़े सिटीज़ होंगे ना, 3-4 जो सिटीज़ हैं स्वीडन के बड़े, उसके आसपास कोई यूनिवर्सिटी ढूंढने सस्ती, ठीक है, 2-2.5 घंटे कोई सफ़र नहीं होता, अपनी गाड़ी भी ले लें वहाँ जाके, 2-3 महीने बाद बंदा ले सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। 1.5-2 लाख की गाड़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो वहाँ से आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें लाजमी सोचा करें। ठीक है, ये नहीं है कि बस कंसल्टेंट ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, बस ले लो जी, ये सस्ती है ऐसे वैसे, लेकिन यार दूसरी अपॉर्चुनिटी देखें। आपने
पैसे कमा के फीस देनी है, कंसल्टेंट ने फीस कमा पैसे नहीं देने आपको फीस के भेजने, ये नहीं है कि वहाँ जाके घर वालों से फीस मंगवा रहे हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें देखें, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि एक्सपेंस कैसे निकलेगा, तो मैं यही प्रेफर करूँगा बड़े सिटीज़ के साथ यूनिवर्सिटीज़ को अटैच करें, तो उस देन सेलेक्ट करें, ठीक है। और उसके अलावा बस यही है, अगर जॉब करनी है पैसे कमाने हैं तो फिर स्टॉकहोम है, गोथनबर्ग है, मालमो है, और सबसे बड़ा स्टॉकहोम ही इस टाइम कैपिटल है, तो अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा इसी में है, ठीक है। और बस यही है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी किसी और यूनिवर्सिटी में बनाएंगे तो जल्दी आ जाएगी, थोड़ा बिजी होते हैं तो वीडियो बना नहीं सकते, वरना रोज़ भी बना सकते हैं लेकिन टाइम नहीं मिलता थोड़ा। तो इंशाल्लाह मैं, और इसके अलावा यूके के बारे में भी बताऊंगा कुछ, आजकल तो यूके वीज़ा बड़े ग्रांट कर रहे हैं, और इसके अलावा स्पेन है, फ्रांस है, और इटली इस टाइम ये भी कर रहे हैं काफ़ी बिजी ग्रांट्स वगैरह, क्योंकि इकॉनमी डाउन हो गई है COVID-19 की वजह से, तो इसलिए बच्चों को बुला के इनकी इकॉनमी ज़रा ठीक हो जाती है स्टूडेंट्स को बुला के, क्योंकि वहाँ पे तो जो जो यूरोपियन बैठे हुए हैं उनकी तो वैसे ही एजुकेशन फ्री है, तो उनको तो फ़ायदे कोई नहीं है कि उनका जो बच्चा है वैसे फ्री पढ़ रहा होता, तो हमसे इन्होंने फ़ायदा लेना होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब माई चैनल लाजमी, और इंशाल्लाह आपसे बातें होती रहेंगी, और मुझे टेक्स्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जब फ्री हुआ करूँगा आपको टेक्स्ट क्लास भी करूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हाफिज़।